अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम जा रहे हैं एक्सपो में और इस वक्त मैं एक्सपो पेशावर में मौजूद हूँ। बेसिकली एक एग्जीबिशन है शराज गैदरिंग, जहाँ पर हम आए हुए हैं। तो चलते हैं जी इस सोलर एग्जीबिशन में और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांड्स आई हैं। वन बाय वन कोशिश करूँगा कि मेजर ब्रांड्स को कवर किया जाए। चलते हैं इन साइड और जानते हैं कौन कौन सी ब्रांड्स यहाँ पर आई हैं। व्यूवर्स, वैसे तो IP21 में मैक्स पावर के पास अलहमदिल्ला वोल्ट्रॉन ने की अप्रॉक्सीमेटेड सारी सीरीज़ अवेलेबल है, लेकिन आज यहाँ पर जो डिस्प्ले में अवेलेबल है और हमारे जो प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा लगती है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट कर लें फ्रॉम लोअर साइड, तो इनके पास आता है सनब्रिज 1000 और सनब्रिज 2000, वो यहाँ पर डिस्प्ले पे नहीं है। लेकिन जो स्टार्ट कर दें सोलर जिसपे अच्छी कैपेसिटी में इंस्टॉल होता है, जिसमें 3000 वाट तक के सोलर को कनेक्ट किया जा सकता है, वो मॉडल है हमारे पास मैक्स पावर सिंट्रॉनिक 3000 प्रो। अच्छा, जल्दी जल्दी से इसके फीचर्स भी कवर करते हैं कि इस मॉडल में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, फिर इनका 6 किलोवाट का मॉडल। और ज़्यादातर लोगों का कंसर्न ये रहता है कि उन्हें ये पता चल जाए कि उनके घर में जो लोड चल रहा है उसके लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो वो भी हम साथ ही देख लेते हैं। व्यूअर्स, सिंट्रॉनिक PV 3000 प्रो जो मॉडल है, ये इस वक्त का लेटेस्ट मॉडल है, बेसिक कैटेगरी का मॉडल है, जिसके अंदर आप 3000 वाट तक इससे आउटपुट ले सकते हैं और 3000 वाट का ही सोलर कनेक्ट होता है। इस इन्वर्टर में और बाकी कंपनीज़ में कुछ लिटिल बिट्स ऑफ डिफरेंस है, जिसमें मेजर डिफरेंस आ जाता है वो है इसकी ग्रिड फीडिंग का होना। इस इन्वर्टर में आपको ग्रिड फीडिंग भी मिल जाती है, जो कि इस कैटेगरी में बाकी ब्रांड्स में आपको कम देखने को मिलती है। इसी के साथ ही बगैर बैटरी के चलना, ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन होना, इलेक्ट्रिसिटी सेल करना, वाईफाई का मौजूद होना, ये बड़ा इसका प्रोमिनेंट फीचर है। व्यूअर्स, अगर आपके घर में एक AC, पंखे, लाइटें, फ्रिज, बेसिक कैटेगरी का लोड है, गो फॉर दिस वन ऑप्शन। प्राइजेज मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम राइट साइड के ऊपर आ जाएं, तो हमारे पास राइट साइड में सिंट्रॉनिक 7000 प्रो जो कि इस वक्त मार्केट का रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्वर्टर रहा है, इतनी ज़्यादा इस प्रोडक्ट ने सेल्स दी हैं। और मैं कहता हूँ कि मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे ज़्यादा एक्टिवली सेलिंग प्रोडक्ट है वो मैक्स पावर का सिंट्रॉनिक 7000 प्रो मॉडल है। बेसिक फीचर्स की बात कर ली जाए तो बगैर बैटरी के भी चलता है, 7000 वाट तक के आप सोलर इस पर कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 550, 580 या 400-500 सीधी से कोई भी पैनल है, 12 पैनल बड़ी आसानी से आप इस पर लगा सकते हैं। 27 एम्पीयर्स का MPPT है। और व्यूअर्स, एक छोटी सी बात, कहने को तो छोटी सी है लेकिन एक्चुअल में ये काफ़ी बड़ी है, कि ये इन्वर्टर पैरेलल होने की एबिलिटी भी रखते हैं। एबिलिटी तो दूसरे इन्वर्टर्स भी रखते हैं, फिर इसमें क्या फ़र्क आ गया? व्यूअर्स, इसके अंदर फ़र्क ये है कि इसके अंदर हमें बिल्ट इन पैरेलल किट देखने को मिल जाती है। ये लोअर साइड पर आप चेक कर सकते हैं, जो कि मोस्टली अदर ब्रांड्स के अंदर प्राइस को कट डाउन करने के लिए इसको रिमूव कर देते हैं, बट प्राइस भी कट डाउन नहीं करते। तो मैक्स पावर को क्रेडिट जाता है कि वो प्राइस भी लोअर ऑफर करता है, वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर है और नीचे हमें पैरेलल किट भी मौजूद है, वाईफाई मौजूद है, उसके अलावा लेटेस्ट टच डिस्प्ले इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है। इसी के साथ दूसरे इन्वर्टर्स की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, PV 12000 अल्ट्रा 11 किलोवाट, IP21 में सिंगल फेज में रहते हुए 11 किलोवाट का इन्वर्टर है ये, और इसी कैटेगरी के अंदर ये लेटेस्ट है। वोल्ट्रॉनिक के अंदर भी हमारे पास 2-3 मॉडल्स आ रहे होते हैं जिसके अंदर हमें डिटैचेबल डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन इसमें कलर्ड डिस्प्ले मिल जाता है, ये मिल जाता है। इसके साथ 8 किलोवाट का मॉडल आता है जो कि PV 10000 है, और उसमें भी आपको लेटेस्ट डिस्प्ले मिल जाता है। और ये तमाम चीज़ें जो आप यहाँ पर डिस्प्ले में चेक कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पर फ्रंट के ऊपर भी मिल जाती हैं। पुश बटन, ऑन ऑफ बटन है, मास्टर स्लेव, तमाम डिस्प्ले इसके ऊपर मिल जाते हैं। तो IP21 की कंप्लीट रेंज 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 11 किलोवाट मैक्स पावर के पास अवेलेबल है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, मैं आ चुका हूँ IP65 की तरफ, और IP65 में मैक्स पावर की वोल्टास सीरीज़ प्राइस के लिहाज से बहुत फ्रेंडली सीरीज़ है, क्वालिटी के लिहाज से 10 साल वारंटी ऑफर करता है। इस वक्त मार्केट के अंदर एक ट्रेंड सेट किया है मैक्स पावर ने, जो कि 10 साल वारंटी का है। हाँ, एक बात है कि आपने मैक्स पावर का IP65 का इन्वर्टर लगा लिया वोल्टास, इसी के साथ ही मैक्स पावर की बैटरी लगा दी, तो ये आपको कंबाइंड पैकेज में 10 साल की वारंटी मिल जाती है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हैं, आपको 5 ईयर्स वारंटी मिल रही है, 5 ईयर्स वारंटी मिल रही है। जो बैटरी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है, ये MP 10000 प्रो मॉडल है, 10 साल की वारंटी के ऊपर ऑफर होगी अगर कम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ ही और इनकी MP 5000 मोस्टली ज़्यादातर हमारे प्रोजेक्ट्स में वो लग रही है, ये हमारे पास 200 एम्पेयर आवर बैकअप के लिए है, और जो इनकी MP 5000 है वो 100 एम्पेयर आवर्स बैकअप की है, 5.2
2 किलोवाट तक का बैकअप आपको प्रोवाइड करती है MP5000। अब हम चलते हैं IP65 सीरीज की तरफ। व्यूअर्स, IP65 में रहते हुए वोल्टास का ऑन ग्रिड इन्वर्टर 10 साल की वारंटी पे मिल जाता है। मोस्टली हमारे पास जो ऑन ग्रिड के इन्वर्टर होते हैं वो 5 साल वारंटी पे होते हैं, बट ये हमारे पास 10 साल की वारंटी पे है। और ऑन ग्रिड की पूरी सीरीज मैक्स पावर के पास अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं सिंगल फेज ऑन ग्रिड के इन्वर्टर से लेके 3 फेज की सीरीज, जो कि 100 किलोवाट, 150 किलोवाट अप टू वेरी लार्ज लिमिट हमारे पास अवेलेबल है। अबोज़ अल्हम्दुलिल्लाह, आज सेकेंड डे है सोलर एग्जीबिशन का, जो कि पेशावर में कंडक्ट हो रहा है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सर फैज़ान, जो कि मैक्स पावर के COO हैं। और इनसे भी हम डिटेल्स जानते हैं कि ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस कैसा गया। माशाल्लाह यहाँ पर ये एक्सपो में आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ओवरऑल एक्सपो कैसा गया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ान और मैं मैक्स पावर में COO हूँ। और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेनिफिशियल रहा हमारे लिए भी और बहुत प्रोडक्टिव रहा हमने। फैज़ान भाई, यहाँ पर पहले भी एक्सपोज होते रहे हैं और मैक्स पावर पार्टिसिपेट करता था? जी जी, पहले भी हमारे एक्सपोज होते रहे, लेकिन हमारा इस टाइम फर्स्ट टाइम है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमें हमारी अबव द एक्सपेक्टेशंस किया है। माशाल्लाह ये B2B भी रहा है और मैं कहता हूँ B2C भी रहा है। कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हमारे डीलर नेटवर्क यहाँ पर आए हैं। ऑफ कोर्स हमें बहुत ज़्यादा मार्केट इनसाइट्स मिली हैं, लोगों का फीडबैक मिला है और बहुत माशाल्लाह से अच्छा हमें एक्सपीरियंस किया। मैं ये हमेशा से कहता हूँ कि जब हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करना चाहिए, और माशाल्लाह आप खुद देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। बस लास्ट में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता और फैज़ान भाई से पता करते हैं कि इन फ्यूचर क्या देखते हैं, मैक्स पावर इसी तरीके से परफॉर्म करता रहेगा, इसी तरीके से इनोवेशन लेके आता रहेगा? जी बिल्कुल, इसी तरह से हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते रहेंगे। आईडेंटिटी टीम्स कवर कर रही हैं और हम कोशिश करते रहें कि हमेशा मार्केट में कुछ इनोवेटिव लेकर आएँ, कुछ ऐसा लेकर आएँ जो मार्केट की नीड्स को भी पूरा करें और उनको रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। रिलायबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो प्रोडक्ट्स हैं, हम जैसे कि व्यूअर्स आपको पता है, मैं कहता हूँ जब मैक्स पावर का नाम आ जाता है तो हम कहते हैं कि रिलायबिलिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ होगा, चाहे वो हाइब्रिड इन्वर्टर्स हों, चाहे वो ऑन ग्रिड हों, चाहे वो लिथियम आयन पैक्स हों। और माशाल्लाह सर्विसेज के लिहाज से मैं कहता हूँ मैक्स पावर इज़ द पायनियर अमंग द सोलर इंडस्ट्री, जो कि बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करिए, बहुत अच्छी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और मैक्स पावर के प्रोडक्ट्स की कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिली होंगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक्सपो में अगर आप लोग आए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है एक्सपो में आके। और प्रोडक्ट बाय करने का तो बड़ा सिंपल सा तरीका आ रहा है, मेरी वेबसाइट को विजिट करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, पेमेंट प्रोसेस करनी है और इन्वर्टर डिस्पैच आपको हो जाएंगे। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।